हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एनबीजी एजुकेशन बोर्ड में फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम आपके साथ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 शेयर करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 की भी वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपको किसी को भी फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी मैटर में पूछना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था व्हाट इज़ मैटर, मैटर के बारे में कि मैटर में क्या क्या आता है और मैटर होता क्या है। आज हम बताएंगे कि जो ये मैटर है वो हमारे जो चारों ओर है वो प्योर है या इनप्योर है। अब आती है प्योर क्या होता है और इनप्योर क्या होता है। आप देख रहे हैं कि मैटर में 2 पार्ट्स हैं, प्योर और इनप्योर। ओनली 1 सब्सटेंसेस, जिसमें केवल 1 सब्सटेंसेस होगा वो हमारा प्योर कहलाता है। और इनप्योर में ऐसा होता है कि मोर देन 1 सब्सटेंसेस, एक से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर हम चाय का एग्जांपल लेते हैं, हमने चाय बनाने के लिए उसमें चाय की पत्ती ली, पानी लिया, फिर चीनी डाल दी, उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डाल दिए, तो इसका मतलब है वो इनप्योर हो गई, वो प्योर तो होगी नहीं। तो ये प्योर और इनप्योर में डिफरेंस है। अगर आप बात करें कि इसमें पार्ट्स कैसे देखेंगे, इसमें होता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट से आप क्या समझ सकते हैं कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी सिंपलर सब्सटेंसेस को। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकल बॉन्डेड टुगेदर। कंपाउंड बनते हैं एलिमेंट के द्वारा जो केमिकल बॉन्डेड रखते हैं एक दूसरे से। अगर इनप्योर में बात करें तो इसमें 2 फॉर्म्स होती हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कम्प्लीटली मिक्स होता है, ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन हम बता रहे हैं आपको, लेकिन सेकंड वाले में सब्सटेंसेस सेपरेट होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें और क्या क्या टॉपिक है और हम क्या क्या आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में और कमेंट करना ना भूलें। देखिए अब बात करते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है मिक्सचर का। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंटिनेंट्स। जो मिक्सचर है वो सेपरेट होता है उसके कॉन्टिनेंट से। सेकंड में बात करें अगर कंपाउंड की, तो ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्टिनेंट्स। कंपाउंड सेपरेट नहीं होता। अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो ए मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट्स। मिक्सचर शो करता है प्रॉपर्टी इसके बारे में। सेकंड है आपका द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर कंट्रोली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्टिनेंट्स। जो कंपाउंड प्रॉपर्टी बताता है वो बिल्कुल अलग होती हैं उसके हिसाब से। अगर हम इसी तरीके से बात करें कि ये मिक्सचर जो होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस के अनुसार देखें, तो जैसे कि फिल्ट्रेशन होता है, इवोपरेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, इसके अंदर मिक्सचर में मानते हैं इन सबको हम। डिस्टिलेशन होता है, सॉल्वेंट, मैग्नेट। अगर कंपाउंड में देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सेपरेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। उसमें कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर कंपाउंड में बात करें तो कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट भी होता है फिक्स और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। तो आपने कुछ पॉइंट देखे मिक्सचर कंपाउंड में। अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो एक पॉइंट इस तरीके से हो सकता है कि एनर्जी इज यूजुअली नेदर। जो एनर्जी है वो यूजुअली होती है नेदर गिवन आउट नोर एब्सॉर्ब्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। अगर हम मिक्सचर का कोई प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में होगा वो, हीट और लाइट।
अगर हम कंपाउंड में एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द कंपाउंड। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होते, समझ रहे हैं ना आप। तो एक मिक्सचर होता है ये, अगर हम बात करें इसके पार्ट्स की टाइप्स की तो टू टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस की समझने की बात देखें तो ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन, वो क्या कहलाते हैं, सॉल्यूशन कहलाते हैं। एग्जांपल में देखें तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया, सी वाटर हो गया आपका, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर भी ले सकते हैं, पेट्रोल एंड ऑयल मिक्सचर, सोडा वाटर हो गया फॉर एग्जांपल, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, विनेगर हो गया आपका। तो चलिए अब देखते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑल द सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स आर हीट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल में इसमें हो सकता है मिल्क, इंक, कोल, सॉइल, वुड, ब्लड, इस तरीके से आप एग्जांपल के द्वारा इन दोनों को आप समझ सकते हैं, इनके टाइप समझ सकते हैं। देखिए व्हाट इज कोलाइड्स, कोलाइड इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन, किस टाइप का सॉल्यूशन है, इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन, उनके बीच में दोज इन ट्रू सॉल्यूशन, जो एक ट्रू सॉल्यूशन होता है, एंड दोज इन सस्पेंशंस और सस्पेंशंस का। तो कोलाइड्स में अगर समझने की बात है तो सॉप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड, ये सब एग्जांपल आपके कोलाइड्स के हैं। तो देखेंगे हम कि जो आप इस टॉपिक पे कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स की हमने बताए हैं, कुछ आपको टेक्निकल नेम बताए हैं, डिस्पर्सर फेसिस बताए हैं, डिस्पर्सन मीडियन और उनके कुछ एग्जांपल। देखिए सॉल्यूशन है तो फेसिस में सॉलिड होगा, मीडियन में लिक्विड होगा, और अगर एग्जांपल की बात करें तो इंक, सॉप, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट में देखें अगर सॉलिड सॉल्यूशन है आपका तो वो फेसेस में सॉलिड होगा और मीडियम में भी, और एग्जांपल की बात करें तो वो होगा कलर्ड जेमस्टोन। ऐसे ही कुछ एग्जांपल आपके सामने दिए गए हैं, वन बाय वन आप देख सकते हैं, कुछ लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्लासिफिकेशन के कोलाइड्स को आपको समझा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपका टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन की बात करें, इस सॉल्यूशन में हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट, व्हाइल अनदर सॉल्यूशन में हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करें इसमें, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट, सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जो गिव क्वांटिटी दी हुई है हमें, उसमें अमाउंट है जो हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, इसके बारे में आपको बताया है। तो देखिए फर्स्ट फिगर में ए डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपके पास शुगर का, इट इज सेड टू हैव लो कंसंट्रेशन, इसमें हमने लो कंसंट्रेशन के बारे में बताया। लेकिन सेकंड की अगर बात करें, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ शुगर इट इज़ सेड टू हैव हाई कंसंट्रेशन। तो देखिए आपने देखा कि शुगर सॉल्यूशन हैज टू डिफरेंट कंसंट्रेशंस, द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, जो प्रेजेंट होगा ग्राम में होगा और 100 ग्राम उस सॉल्यूशन का। एग्जांपल की बात करें, ए 10% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट मींस 10 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड।
तो आपने देखा कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए इसके फॉर्मूले की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्यूएंट। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर एग्जांपल की बात करें, इस सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। हमने क्या देखा कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो शुगर का वो है 30 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट है वाटर का 370 ग्राम। अगर हम बात करें मास ऑफ सॉल्यूशन की तो आपको अभी हमने फॉर्मूला बताया मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें वैल्यू हम रखेंगे, तो देखिए कैसे रखेंगे हम इसमें वैल्यू। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारी 30 और सॉल्वेंट 370। तो देखिए 30 प्लस 370 हो गया हमारा 400 ग्राम। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं फॉर्मूले में। देखिए हमारी वैल्यू आई थी 400। हमने फॉर्मूले में अगर मास ऑफ सॉल्यूट रखा तो 30 और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा निकल के आता है ऐड करके 400 इंटू 100 किया तो 0 से 0 कैंसिल। अब हमारा बचता है 30 अपॉन 4। परसेंटेज में निकाले तो 7.5%। अंडरस्टैंड। तो देखिए इस प्रकार हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ दिस शुगर सॉल्यूशन इज 7.5%। इस तरीके से आपको फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा और क्वेश्चन भी इस तरीके से आसानी से निकल जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड, इनमें कुछ पार्ट्स हैं बाई फिल्ट्रेशन, बाई कॉन्ट्रीफिगेशन, बाई इवेपोरेशन, बाई क्रिस्टलाइजेशन, बाई क्रोमेटोग्राफी एंड बाई डिस्टिलाइजेशन। इसमें जो पार्ट्स हैं इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सेपरेशन कैसे होता है एक मिक्सचर का सॉलिड और लिक्विड में। तो फर्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ ए फिल्टराइजेशन। आपने देखा कि इसमें हमने सेपरेशन किया हुआ है मिक्सचर बाई फिल्टराइजेशन के द्वारा। तो देखिए ये कोई ग्लास रोड है और ये कोई फिल्टर पेपर है, इसमें एक फनल है, फनल के द्वारा हम इस तरीके से इनसॉल्युबल सॉलिड को रिसोल्व करेंगे। मिक्सचर है इसमें सॉलिड और लिक्विड का, तो इस तरीके से एक फिल्ट्रेशन हो सकता है आपने देखा। इसी तरीके से हम बाय दूसरे भी बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लास्ट तक देखते रहिए। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अगर हम सेपरेट की बात करें मिक्सचर में एल्कोहल वाटर, हमने एक बर्नर लिया है उसमें एक ट्रिपोड स्टैंड है और वायर गोज कर दिया है हमने, तो एक जो हमारा मिक्सचर है अल्कोहल और वाटर का वो आप देख रहे हैं और इसमें हम टेम्परेचर के हिसाब से इसको एक थर्मामीटर लगा दिया है, कभी 78 डिग्री सेल्सियस और उससे बाद में बढ़ाते चले गए 79 और 80 डिग्री पर। तो हमने देखा कि जो वाटर आउट हो रहा है सिंक के द्वारा, वाटर कंडेंसर के द्वारा, एक टैप से इधर की तरफ से आप पानी दे रहे हैं, तो इधर हमारा एक बीकर है तो जिसमें हमारा अल्कोहल निकल के आ जाता है। तो आपने देखा कि सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू मिस्किबल लिक्विड्स, हियर कौन कौन से हैं, अल्कोहल एंड वाटर बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस तरीके से हमारी ये चैप्टर वीडियो पूरी होती है। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू।